मोदी लहर जो है वो विकास की लहर का दूसरा नाम है। अच्छा, देखिए मोदी जी हवा भाई बात नहीं करते। मोदी जी ने पाकिस्तान में घुस के मारा। हाँ। मोदी जी ने चाइना से अपनी जमीन खींची वापस ले ली, जो हमारी भारतीय जमीन जो ले ली थी। मोदी जी ने ऐसे काम करे हैं, ये तो कभी 70 साल में इनके बाप दादा राजनीति में रहे हैं कभी नहीं कर पाए। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत अच्छे कार्य किए हैं और उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था को बनाने के लिए बिना किसी भेदभाव के पूरा कानून व्यवस्था पर अपनी पकड़ बनाए रखा और किसी को भी किस तरीके से मनमानी करने की छूट नहीं दी। बड़े बड़े माफिया या तो ऊपर चले गए हैं या उत्तर प्रदेश छोड़कर भाग गए। एक बहुत पुरानी कहावत है कि कर्म फल भुगतना पड़ता है। जिसने जैसे कर्म फल गए उसके सामने वैसी स्थिति आ गई है। कांग्रेस खत्म हो रही है, सपा खत्म हो रही है, मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं तो तीसरी बार भी आएंगे और हम सब लोग मिलकर उनको लेके आएंगे। वो तो कह रहे लोग लेकिन वो तानाशाह कह रही मोदी जी को या डरा हुआ कह रही है। जो आदमी तानाशाह नहीं हो सकता वो डरा हुआ नहीं हो सकता, जो डरा हुआ है वो तानाशाह नहीं हो सकता। विपक्ष ये बात तय करे पहले तो। विपक्ष को अपने मुद्दे ही पता नहीं कि हमें उठाने क्या है। विपक्ष मुद्दा विहीन हो चुका है और विपक्ष को अपने मुद्दे का संज्ञान भी नहीं है। सारे भ्रष्टाचारी जितने भी नेता हैं सब इकट्ठे हो चुके हैं मोदी जी के खिलाफ। मोदी जी अकेले ऐसे नेतृत्व कर रहे हैं जो उन्हें सारे देश को पूरे विश्व में आगे लेके जा रहे हैं। प्रदेश में योगी सरकार आई और केंद्र में मोदी जी आए हैं, उस तब से आप दंगा देख लीजिए कितने दंगे इस देश में इस प्रदेश में हो रहे हैं। देखिए जब मोहब्बत रहेगी तभी तो लोग शांति से रहेंगे, अगर नफरत होगी तो दंगा होंगे ही होंगे। तो ये नफरत फैलाने का काम सिर्फ अखिलेश जी और ये कांग्रेस का काम होता है, बाकी तो सब ठीक है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका ऑल इंडिया न्यूज़ पर। मैं यशपाल राजपुरोहित। 2024 के लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश की तमाम लोकसभा सीटों को कवरेज कर रहे हैं, उनकी ज़मीनी हकीकत आप तक पहुंचा रहे हैं और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए इस वक्त हम बिजनौर लोकसभा क्षेत्र में मौजूद हैं। आपको बता दें जब बात आती है उत्तर प्रदेश की तो ये वही उत्तर प्रदेश है जो सीधा दिल्ली तक का रास्ता तय करता है। इस बार बिजनौर क्षेत्र में लोकसभा क्षेत्र में क्या सियासी माहौल है, चुनावी हवा किस तरह पे, ये जानने के लिए यहाँ की जनता के बीच में हम खड़े हैं। जनता से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इस बार बिजनौर लोकसभा क्षेत्र में चुनावी हवा किस ओर है, क्या माहौल है। सर क्या नाम हुआ आपका? विकास अग्रवाल। विकास जी, चुनावी हवा किस ओर है, क्या माहौल है बिजनौर लोकसभा क्षेत्र का? बिजनौर का पूरी लोकसभा का जो माहौल है वो भारतीय जनता पार्टी रालोद के पक्ष में है। ये सीट रालोद के पक्ष में गई है और यहाँ से हमारे जो प्रत्याशी हैं वो है चंदन चौहान जी, उनके पक्ष में पूरा अच्छा माहौल है। भारतीय जनता पार्टी और रालोद के जितने भी कार्यकर्ता हैं, जैसे देखा गया जनता के अंदर, वो पूरे एकजुट होकर कार्य कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी तो बड़े के कार्यकर्ता तो बड़े उत्साह से काम कर रहे हैं। वो अपने गठबंधन का धर्म निभाना जानते हैं और वो इस आधार पर काम कर रहे हैं, ऐसा मैंने महसूस किया है जी। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा, देखिए जब हम लोकसभा के चुनावों की बात करते हैं, इस बार एक माहौल चल रहा है 400 पार की बात चल रही है। भाजपा के तमाम दिग्गज नेता, प्रधानमंत्री मोदी स्वयं बार बार ये कहते हैं कि 400 का आंकड़ा पार हो जाएगा। अब 400 के पार में तो यूपी में 80 बना पूरा का 80 होना चाहिए, लग रहा है ये 80 की 80 सीटें बिल्कुल 100। जैसा मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं और योगी जी ने तो पूरा ठान लिया इस बात का कि उत्तर प्रदेश के अंदर 80 की 80 सीटें जिताकर हम दम लेंगे और जनता ने भी पूरा तरीके से ठान लिया कि हम 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में देंगे। चूँकि भारतीय जनता पार्टी के लेकिन आप युवा हैं, क्या नाम हुआ सर आपका? देखिए मेरा नाम रॉबिन चौधरी है। रॉबिन जी, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, देखिए यूपी में एक माहौल है, यूपी में चर्चा ये भी है कि भाई यूपी के दो लड़के राहुल गांधी अखिलेश यादव, इनकी जोड़ी लगातार यहाँ पर सक्रिय है, इस बीच में क्या 80 की 80 सीटों पर दबदबा कायम हो सकता है, क्या आपको क्या लग रहा है, क्या माहौल है? देखिए उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें आएंगी। ये वही उत्तर प्रदेश है जो जाना जाता था दंगाओं के लिए, ये वही उत्तर प्रदेश है जो जाना जाता था करप्शन के लिए, ये वही उत्तर प्रदेश है जो जाना जाता था बलात्कारियों के लिए, ये वही उत्तर प्रदेश है जो जाना जाता था अखिलेश यादव जी जैसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री के लिए। अब ये वही उत्तर प्रदेश है जो जाना जाता है राम राज्य के लिए, ये वही उत्तर प्रदेश है जो जाना जाता है भगवान श्री राम के लिए, ये वही उत्तर प्रदेश है जो जाना जाता है कामर्तियों पे हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा होती है, ये वही उत्तर प्रदेश है पिछले 5 साल में एक कर्फ्यू नहीं लगा, ये वही उत्तर प्रदेश है जहाँ मेरी बहन मेरी बेटियाँ रात 12 बजे किसी भी चौराहे पे कहीं भी जा सकती हैं। लेकिन बिजनौर लोकसभा क्षेत्र की हम बात करें तो यहाँ क्या लग रहा है, यहाँ का चुनावी रुझान किस ओर है, मोदी जी के नाम पर यहाँ वोट पड़ रहे हैं या फिर यहाँ के कैंडिडेट में वो क्षमता है, वो बात है कि यहाँ लोग उनके साथ? देखिए भाई साहब, मोदी जी तो ऐसे वसे हैं, मैं युवाओं की बात करता हूँ, जैसे भगवान श्री राम, हर युवा के दिल में ऐसे वसे हैं जैसे भगवान श्री राम।
मोदी जी के नाम पे ही वोट है और यहाँ के प्रत्याशी, उनके पिताजी भी पूर्व में सांसद रहे हैं, बड़े अच्छे प्रत्याशी हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय जयंत जी को और अपने एनडीए गठबंधन को जो ऐसा समझदार, ऐसा मेहनती प्रत्याशी लाए चंदन जी के रूप में। अच्छा, आपको ये क्यों लगता है? देखिए, यहाँ पर यूपी में भी कहीं ना कहीं गठबंधन की सरकारें हैं वो भी ताल ठोक रही है, लगातार ये दावे कर रही है कि इस बार चाहे कुछ भी हो जाए तानाशाही नहीं चलेगी, लोकतंत्र की हत्या नहीं चलेगी। राहुल गांधी दो कदम आगे बढ़ के ये भी कह रहे हैं कि सब कुछ फिक्स हो चुका है, मैच फिक्सिंग का काम है। इस बीच भी हम अगर ईडी सीबीआई को हटा दे तो 180 की हैसियत नहीं है। देखिए, मैं एक ही बात कहूँगा, युवा ही है, युवा ने ही तख्ता पलट किया था 2014 में, युवा ही फिर 400 सीट लाएगा, उत्तर प्रदेश में 80 सीट लाएगा। तो हमें हमारे आदरणीय मोदी जी चाहिए, हमें राहुल बाबा या अखिलेश यादव नहीं चाहिए। नहीं चाहिए आपको, लेकिन अखिलेश जी बार बार कहते हैं कि देखिए मोहब्बत की दुकान जो है वो यूपी में यहाँ के हर एक क्षेत्र में लगातार खुली हुई है। राहुल गांधी भी खोल रहे हैं, अखिलेश यादव भी खोल रहे हैं, मोदी जी नफरत की दुकान खोल रहे हैं, फिर कहाँ से ये समीकरण फिट पड़ जाएंगे? देखिए, नफरत की और मोहब्बत की दुकान का पता इस बात से चलता है, जब से प्रदेश में योगी सरकार आई और केंद्र में मोदी जी आए हैं, उस तब से आप दंगा देख लीजिए कितने दंगे इस देश में, इस प्रदेश में हो रहे हैं। देखिए, जब मोहब्बत रहेगी तभी तो लोग शांति से रहेंगे, अगर नफरत होगी तो दंगा होंगे ही होंगे। तो ये नफरत फैलाने का काम सिर्फ अखिलेश जी और ये कांग्रेस का काम होता है, बाकी तो सब ठीक है। मोदी जी जैसा नेतृत्व करने वाला प्रधानमंत्री न इस देश को कांग्रेस कभी दे सकती है और न कभी भविष्य में दे पाएगी। बीजेपी से अच्छी है, मुझे लगता नहीं कोई इस देश के बारे में सोच सकता है। तो बिजनौर लोकसभा क्षेत्र में आपको लग रहा है कि चुनावी रुझान एक तरफ है? बिल्कुल एक तरफ है। एक बात बताइए, देखिए दूसरी पार्टी का एक प्रत्याशी भारी है, दो बल्कि दोनों प्रत्याशी भारी हैं, वो इस लोकसभा क्षेत्र के नहीं। दूसरा, समाजवादी पार्टी की मैं बात करूं तो उन्हें यही नहीं पता कि कभी किसी को टिकट देते हैं, कभी किसी को टिकट देते हैं। तो अब देखिए, परिवारवाद तो हावी है, अभी उनके पिताजी विधायक हैं, उनके बेटे को सांसद दे दी, भाई उनके पास कार्यकर्ता ही नहीं जो टिकट लेके मजबूती से चुनाव लड़ सकें। तो घर परिवार में बांटते चलने की भैया मेरे लड़के को दे दो, मेरे पिताजी को दे दो, यही काम है उनका। विनोद राठी। विनोद जी, क्या लग रहा है? देखिए, जब भाजपा लगातार चुनावी प्रचार में भी व्यस्त हैं, राहुल गांधी और तमाम जो विपक्ष एकजुट होकर ये कह रहा है, इंडिया अलायंस जो बनाएगा उसमें राहुल गांधी बार बार कहते हैं कि अगर तीसरी बार मोदी सरकार बनती है पूरे देश में आग लग जाएगी और ये आग लगाने का काम भी मोदी जी करेंगे और भाजपा वाले करेंगे। सारे भ्रष्टाचारी जितने भी नेता हैं सब इकट्ठे हो चुके हैं मोदी जी के खिलाफ। मोदी जी अकेले ऐसे नेतृत्व कर रहे हैं जो उन्हें सारे देश को पूरे विश्व में आगे लेके जा रहे हैं। उस किसी को 4 साल की सजा है, किसी को कुछ है, ये सब लोग बेल पे छुटे हुए हैं, सब इकट्ठे हो चुके हैं मोदी जी के खिलाफ। मगर जनता सबको पहचान चुकी है, मोदी जी को फिर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे और अच्छे से 400 पार जो प्रधानमंत्री जी का नारा है उसको आगे लेके जाए। आपने कहा कि विपक्ष है वो डरा हुआ है, विपक्ष का ये कहना है कि मोदी जी डर गए हैं इसलिए केजरीवाल की गिरफ्तारी भी हो रहे हैं, मोदी जी डर गए हैं कि चुनाव में इन्हें हरा नहीं सकते हैं इसलिए जेल की सलाखों के पीछे डाल रहे हैं ताकि चुनाव में सामना नहीं करना पड़े, जेल में ही रहे वो। ये सब इनके अपने मनभ्रष्ट कहानियाँ हैं, जो काम गलत करेगा वो तो अंदर जाएगा ही। पहले कहते थे कि ये एजेंसियां काम नहीं कर रही हैं, अब ये एजेंसियां काम कर रही हैं तो इनको डर लग रहा है। जो इन्होंने पहरपुर में भ्रष्टाचार कर रखे हैं अपने, उन लोगों का सबका समय गलत आ चुका है, सब लोग अंदर जाएंगे जिन्होंने भ्रष्टाचार, मोदी जी ने कहा है, जो पूर्व में पहले भी भ्रष्टाचार कर चुके हैं सब लोगों से पूरा हिसाब लिया जाएगा और जनता को हिसाब दिया जाएगा। तो ये 405 का जो ये 400 पार का जो नारा लगा है इसमें बिजनौर लोकसभा क्षेत्र भी शामिल है? बिल्कुल 100% मैं कह सकता हूँ, जनता के जो हमने देखा है, जनता के उससे लग रहा है कि सारा ये हमारी लोकसभा सीट है जो बिजनौर की है वो भी जीत के मोदी जी को जाएगी। विकास के काम हुए क्या इस क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ से इससे पहले भाजपा के प्रत्याशी यहाँ पर जीत चुके थे, तो कुछ विकास का काम भी हुआ है केवल मोदी जी की लहर में ही सब कुछ हो रहा है, नैया पार हो रही है सबकी? पीछे यहाँ पे हमारी लोकसभा सीट पार्टी पे थी नहीं, मगर आपके गठबंधन का जो प्रत्याशी है हमारे वो इतने ईमानदार और इतने उनके पूर्व में पिताजी सांसद रहे हैं, वो इतने ईमानदार हैं और कर्मठ हैं और आगे से जो अभी पीछे जो मोदी जी ने पूरे केंद्र में पूरे पूरी अपने लोकसभा क्या पूरे हिंदुस्तान में जो काम किया है, पूरे देश में जो काम किया, उनकी नीतियों को देखते हुए हमारे यहाँ की लोकसभा भी सीट उन पर ही जाएगी। 10 सालों का कार्यकाल मोदी जी का कैसा लगा और कौन कौन सी ऐसी नीतियाँ जिनसे आप कह रहे हैं प्रभावित हैं या वाकई में कुछ बढ़िया हुआ है? एक नीति हो तो बताई जाए, उन्होंने जो भी 10 साल में काम किए हैं, उनके चाहे लाभार्थियों को देने का काम किया हो, चाहे उनके मकान प्रधानमंत्री मकान नीति हो, चाहे उनका बेटियों को सम्मान देने का काम किया हो, और रक्षा सुरक्षा का सबसे बड़ा जो काम किया है उन्होंने, देश को जो फौज को अपनी मजबूत किया है, तो सभी को देखते हुए सबसे पहले धारा 370 हटाने का काम जो किया है, सभी विपक्षी कहते थे कि कभी 370 हटा नहीं पाएंगे, मोदी जी ने इतना बड़ा जो निर्णय लिया वो हटा दी गई। तो क्या वाकई में जो देशव्यापी मुद्दे हैं
उनके बलबूते पर ही भाजपा सरकार रिपीट कर रही है, मतलब हर एक लोकसभा क्षेत्र में उस एरिया के ही नहीं बल्कि देशव्यापी मुद्दों के हिसाब से वोट मिल रहे हैं, तंत्र खत्म हो रहा है, ये उनका कहना है। अब उन्हें तो कहने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, जब कुछ काम होता है तो विरोध सबसे पहले उसी का होता है जब कोई कुछ काम कर रहा होता है। कोई मुद्दा तो है नहीं, कोई मुद्दा ही नहीं उनके पास, वो क्या कहेंगे, यही कहेंगे है ना कि तानाशाही का माहौल हमें खत्म करना है, लोकतंत्र की हत्या से देश को बचाना है, हमें तमाम मुद्दे तो वो उठा रहे हैं। पहले विपक्ष ये तय कर ले, उसे सोचना क्या, विपक्ष ये तय कर ले कि वो तानाशाही कह रही है मोदी जी को या डरा हुआ कह रही है। जो आदमी तानाशाह नहीं हो सकता वो डरा हुआ नहीं हो सकता, जो डरा हुआ है वो तानाशाह नहीं हो सकता। विपक्ष ये बात तय करे पहले, तो विपक्ष को अपने मुद्दे ही पता नहीं कि हमें उठाने क्या है। विपक्ष मुद्दा विहीन हो चुका है और विपक्ष को अपने मुद्दे का संज्ञान भी नहीं है, परंतु उन्हें कुछ ना कुछ बोलना है भाई। विपक्ष ये कह रहा है कि डरा हुआ तानाशाह एक मरा हुआ लोकतंत्र पैदा करता है, ये राहुल गांधी कह रहे हैं। अब डरा हुआ तानाशाह, मरा हुआ लोकतंत्र, लोकतंत्र हमारे यहाँ लोकतंत्र का तो उस समय विनाश हो गया था, उस समय खत्म हो, जब इंदिरा गांधी ने इस देश के अंदर 1975 के अंदर इमरजेंसी आपातकाल लगाया था, सारे जितने पत्रकार थे, जितने संघ के स्वयं संघ के कार्यकर्ता थे, जितने राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता थे और नेता थे, सबके सब जेल के अंदर पहुंचाने का काम मोदी जी खुद अंडरग्राउंड थे, अंडरग्राउंड रहकर उन्होंने पूरे संगठन की सेवा करने का काम किया और पूरे जनतंत्र को बचाने के। बिल्कुल, अच्छा आप युवा है, मेरा सवाल आपसे भी ये बनता है कि 10 सालों का जो मोदी जी का कार्यकाल रहा उसे आप कैसे देखते हैं एक युवा के तौर पर? देखिए युवा है तो युवा वाली बात करूंगा मैं। सबसे पहले हमारी जो सम्मान है, नारी सम्मान है, नारी और बहन बेटियों का, तो मोदी जी की एक योजना बताऊंगा मैं, शौचालय की, कैसे जो सम्मान मोदी जी ने दिया पूर्व सरकारों में किसी ने नहीं दिया, तो शौचालय से इससे अच्छा कोई काम हो ही नहीं सकता। ना उन्होंने हिंदू मुस्लिम का भेदभाव करा, ना उन्होंने शहर गांव का भेदभाव करा, सभी पूरे देश भर में उन्होंने शौचालय बनवाने का काम करा है। सबसे इस सारी बातों में एक बात खत्म कर रहा हूं मैं, नारी सम्मान है तो हमारा सम्मान है, पहले घर अच्छा होगा तो फिर हमारा देश अच्छा होगा। ये विपक्ष ये भी कहता है कि मोदी जी केवल जो है हवा हवाई बातें करते हैं, मोदी जी ने कहीं ना कहीं विपक्ष को खत्म करने की कोशिश कर रखी है, कांग्रेस के अकाउंट फ्रीज कर दिए हैं, आम आदमी पार्टी की पूरी पार्टी को जेल के पीछे डाल रहे हैं क्योंकि ये चुनाव में सामना नहीं कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं अनडायरेक्टली ये लोकतंत्र की हत्या करती है। देखिए मोदी जी हवा हवाई बात नहीं करते, मोदी जी ने पाकिस्तान में घुस के मारा, मोदी जी ने चाइना से अपनी जमीन खींच वापस ले ली, जो हमारी भारतीय जमीन जो ले ली थी, मोदी जी ने ऐसे काम करे हैं ये तो कभी 70 साल में इनके बाप दादा राजनीति में रहे हैं कभी नहीं कर पाए। मोदी जी ने 10 वर्ष में काम कर दिया है, मैं मानता हूँ ये 100 वर्षों में काम नहीं कर सकते। मोदी जी, मैंने कहा था मोदी जी को, तो हमें मोदी जी के अंदर भगवान श्री राम दिखते हैं। ठीक है, 10 सालों का कार्यकाल भाजपा का और बाकी जो कांग्रेस का कार्यकाल रहा, इनमें क्या लग रहा है किसका पलड़ा भारी रहा है? देखिए मोदी जी का पलड़ा हमेशा से भारी रहा है। देखिए पिछले 70 साल की बताऊं, 10 की छोड़े 70 की, आप घोटाले गिनवा सकते हैं, कोई योजना आपको ठीक से याद नहीं होगी। मैं इन 10 साल की योजना बताता हूँ। देखिए महिलाओं के लिए शौचालय, जनधन योजना, ठीक है, सरकारी उज्ज्वला योजना से सिलेंडर, गैस सिलेंडर, ठीक है, लाइट, उसके अलावा किसान सम्मान निधि, ठीक है, बच्चों की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप, अभी जितने भी ये इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं उसमें भी आपको जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए भी एक कह रहे हैं कोटा टाइप है, जो गरीब बच्चे भी उसमें पढ़ सकते हैं निःशुल्क। उसके अलावा काफ़ी, आप ये देखिए कि 14 से पहले कितने हमारे पदक आते थे गेम्स में और अब कितने पदक हैं, क्योंकि सभी लोगों को प्रोत्साहन मिला, युवाओं को खेल में प्रोत्साहन मिला, सिर्फ पढ़ाई में नहीं, दोनों तरफ से मोदी जी काम कर रहे हैं। मतलब युवाओं का कहीं ना कहीं आप कह रहे हैं कि युवा जो है वो मोदी जी की बातों से जुड़ पाते हैं, कनेक्ट कर पाते हैं अपने आप को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य ये है, गरीब, युवा, महिला और किसान, 4 चीज़ों पर पूरा फोकस है और उन्होंने अपने 10 साल की राजनीति के अंदर, 10 साल के शासन के अंदर इन 4 बातों पर फोकस रखा है। उनको भूखा नहीं सोने दिया, कोरोना काल के अंदर एक भी व्यक्ति, एक भी घटना ऐसे नहीं हुई कि जो कोई ये कह दे कि वो भूख से मरा। अच्छा, लेकिन सवाल ये भी बनता है कि बार बार विपक्ष का यही कहना है कि लोकसभा क्षेत्र में जितने भी प्रत्याशी खड़े होते हैं वो मोदी लहर के सारे पार करने की कोशिश होती है, वो अपने क्षेत्र में विकास नहीं करते, विकास के काम नहीं होते हैं, केवल मोदी लहर में जीत जाते हैं, मोदी जी को पीएम बना देते हैं और वो क्षेत्र जो है वो कहीं ना कहीं अनदेखी का शिकार हो जाता है। देखिए हमारे यहाँ अश्वनी वैष्णव जी रेलवे मिनिस्टर हैं, वो हमारे 2 जनपद लोकसभा के प्रभारी भी थे। लोकसभा आप स्टेशन को जाकर देखिए कितना बड़ा स्टेशन का निर्माण हो रहा है, चांदपुर भी और बिजनौर भी, दोनों जगह, दोनों लोकसभा बिजनौर के अंदर पहली दफा हुआ। और दूसरी चीज, मेरठ, हस्तनापुर और बिजनौर के एक लाइन का निर्माण हुआ जिसका सर्वे कार्य पूर्ण हो चुका है और वो जा रहे हैं। अश्वनी वैष्णव जी इतना जबरदस्त तरीके से रेलवे के मिनिस्टर काम कर रहे हैं, कुछ पूछिए मत ना, उनकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। ये मोदी जी का एक मंत्री हैं, तो मोदी जी की काम करने की स्पीड कितनी तेज है। उन्होंने गरीब, किसान, युवा, महिला का बिल्कुल पूरी तरीके से सम्मान किया है और यही भविष्य की वह 3 तलाक के मुद्दे पर हमने कि बिना किसी भेदभाव के काम किया है। ये जितना भी
पहले जो इन्होंने गुजरात मॉडल पे यहाँ लोगों ने भी विश्वास करा और अब यहाँ इनका विकास देख के हम सब लोग जितने भी जनता से बात कर रहे हैं सब विकास के नाम पे मोदी जी को वोट दे रहे हैं और मोदी जी के साथ जितने प्रत्याशी खड़े हुए हैं वो निश्चित रूप से जीतेंगे और ये 400 पार का जो इनका नारा है मोदी जी का एनडीए का वो बिल्कुल पार होगा 100%।